हे गाइस, सो यार कैसे हैं आप सभी लोग। जो है आई सर के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों की क्वारी आ रही थी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, और क्या भैया इस बार क्या आई सर का पैटर्न वगैरह चेंज किया गया है, क्या क्वेश्चन पेपर चेंज आने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी के अंदर चेंजेज कर दिया आई सर वालों ने, क्या सारा सीन है, इसके बारे में कंप्लीट में डिस्कस कर लेते हैं। यार आई सर में पिछले साल तक अगर अपन बात करें एडमिशन के लिए, हर जो बोर्ड होता था जैसे राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, वहाँ पे जो टॉप 20% जो बच्चे आते थे, टॉप 20 के अंदर जो बच्चे आते थे परसेंटाइल के अंदर, उन सबको सेलेक्ट किया जाता था फॉर IAT टेस्ट के लिए, यानी कि आई सर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस बार वो सारा का सारा सिस्टम हटा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है बच्चे, सुन रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। हाँ, वो जो है हटा दिया गया है टॉप 20% वाला। अब मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है वो सिर्फ 60% है, यानी कि पहले जो CBSE बोर्ड के लिए जो था वो 84% 85% था, लेकिन अब जो है, अब क्या है, क्या है, अब सिर्फ 60% है। ठीक है, तो यानी कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म आते थे तकरीबन 20-25 हज़ार, इस बार 50 हज़ार प्लस एप्लीकेशन आने वाले हैं, यानी कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा टफ होने वाला है। ठीक है, यानी कि इतने सालों तक अगर मैं बात करूँ, 180 मार्क्स का टेस्ट होता था और 100 प्लस पे, 90 पे भी एडमिशन हो जाता था, 80 पे भी हो जाता था, 70 पे भी हो जाता था, लेकिन अब नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि अब हर वो बच्चा जो बिहार में बैठा है, झारखंड में बैठा है, राजस्थान में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, कोलकाता में बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है, सब बच्चे अप्लाई करेंगे, सब के सब बच्चे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो और देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी रही है। सबसे इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी है एप्लीकेशन फॉर्म की, अगर अपन बात करें तो 25 अप्रैल से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन नेशनल होना चाहिए। देन जो आपने जो ट्वेल्थ है वो 2021 या 2022 में करी होनी चाहिए। जो ओबीसी और जो है जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए 60% मार्क्स, और जो है SC ST PWD कैंडिडेट है उसके लिए 5% का रिलैक्सेशन, यानी कि 55% मार्क्स। ओके, और जो स्टूडेंट्स इंडियन नेशनल्स नहीं है, ठीक है, जस्ट लाइक आउट ऑफ इंडिया है, उनके लिए एडमिशन ओनली थ्रू JEE एडवांस के थ्रू होगा। ओके, और एडमिशन के तीन चैनल है, आप सभी को पता होगा, स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड चैनल यानी कि SCB एंड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE एडवांस, और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना यानी कि KPY। ओके, अब अपन बात करते हैं जस्ट लाइक JEE एडवांस के बारे में क्या लिखा गया है। सिकोर्ड ए रैंक विथन 15,000 इन द कॉमन रैंक फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल OBC कैटेगरी इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। रैंक लिस्ट फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल EWS OBC कैटेगरी ऑफ द JEE एडवांस। ठीक है, SCB के बारे में लिखा गया है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन थ्रू दिस चैनल मस्ट अपीयर आई सर एप्टीट्यूड टेस्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो अप्लाई करने वाले बच्चे होते हैं वो SCB यानी कि IAT टेस्ट के जरिए होते हैं। ठीक है, तो IAT 2020 विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। अनाउंसमेंट फॉर दिस विल न्यूज़पेपर ऑन 25 अप्रैल 2022। ओके, देन हम पढ़ते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड क्वालिफाई एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या लिखा गया है, इफ़ द रिजल्ट 10+2 क्वालिफाई एग्जाम आर नॉट डिक्लेयर, सच कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एडमिशन आई सर। हाउएवर देयर एडमिशन विल बी सब्जेक्टेड टू फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है जब आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड जो लिखी गई टर्म्स फॉर कैंडिडेट, वो हैड अपियर्ड इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट टाइम इन 2021 एंड री अपियर इन सेकेंड टाइम 2022। देन जो आपकी जो है दोनों जो साल है उसका जो बेस्ट जो है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इफ़ ए बोर्ड गिव्स एग्रीगेट मार्क्स कंसिडर्ड बोथ 11th क्लास 12th क्लास एग्जामिनेशन, दे ओनली क्लास 12th मार्क्स विल बी कंसिडर्ड। इफ़ ए बोर्ड गिव्स एग्रीगेट मार्क्स कंसिडरिंग रिजल्ट ऑफ ए 3 years डिप्लोमा कोर्स एंड ओनली द मार्क्स स्कोर इन द फाइनल ईयर विल बी सिमिलर फॉर बोर्ड्स। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट 12th वाले बच्चे करते हैं। ठीक, इफ़ ए बोर्ड अवॉर्ड ओनली लेटर्स ग्रेड्स विदाउट प्रोवाइडिंग एन इक्विलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेड शीट, द कैंडिडेट शुड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड स्पेसिफाई द इक्विलेंट मार्क्स एंड सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन ऑफ द मार्क्सशीट।
यार जस्ट जो है आपका अगर कोई आपका जो भी बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है जो भी आपको अगर मार्क्स जीपीए या फिर सीपीआई में देता है तो जस्ट आप उसको जो है मार्क्स में कन्वर्ट करा के उसका सर्टिफिकेट लेके जो इसकी डेडलाइन दी गई है उस तक सबमिट करें, ठीक है। जस्ट यहाँ पे कुछ फॉर्मूले वगैरह दिए गए हैं, हालांकि ये मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ जो है पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने में जो चल रही हो बोर्ड वो हो सकता है ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम अभी सारे के सारे परसेंटेज वाइज ही चलते हैं, ठीक है। तो यार ये था नॉर्मल, ठीक है। जस्ट लाइक आप हमारी प्राइम मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हैं जिसके अंदर हमारी टीम आपको पढ़ाती है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाती है, क्वेश्चन सोल्व करवाती है, मॉक टेस्ट करवाती है, देन आपकी अंगुली पकड़ के चलती है जब तक आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता। देन यू कैन परचेज नाउ दिस प्राइम मेंबरशिप प्लान, यानी कि प्राइम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इफ़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एट माई व्हाट्सएप नंबर और फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर कोई मुझे फॉलो कर ही नहीं रहा, हाँ क्या चक्कर है आजकल? तो भाई जस्ट लाइक मैं कितना हैंडसम बन गया हूँ फिर भी तुम लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो। IITN है, हम फॉलो करो, ठीक है, जल्दी जाके फॉलो करो, ठीक है। तो और खूब पढ़ाई लिखाई करो, और जस्ट लाइक रिक्रूटमेंट जॉब के रिगार्डिंग लिंक्डइन प्रोफाइल है मेरा, उस पर जा सकते हो। ऑलमोस्ट जॉब वगैरह जो भी अवेलेबल होती है हमारी कंपनी में, हमारी स्टार्टअप में, हमारी टीम में, तो आई विल अपलोड इट, ठीक है। तो जस्ट फॉलो कर सकते हो, वो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन, ठीक है। एंड जस्ट लाइक जिन बच्चों के पास लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है वो जरूर मस्ट बनाएं आफ्टर द जेई क्लियर और आफ्टर द आईसर के बाद में जब आपका रिजल्ट आ जाए और तब आप प्रोफाइल वगैरह बनाना, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो।